नमस्कार दर्शकों, चुनावी बेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता ही है कि चुनाव जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और जो यहां से हमीरपुर से पार्षद जो भी पार्षद पद के लिए यहां से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, सभी ने अपना प्रचार प्रसार जो है अभियान जो है वो बहुत ही तेज़ी से शुरू कर दिया है। तो अभी हम आए हैं वार्ड नंबर 7 में, जहाँ से अनमोल कुमार जी जो हैं वो पार्षद पद के लिए यहाँ से चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि उनका जो प्रचार प्रसार है वो कैसा चला हुआ है और लोग क्या क्या समस्याएं जो हैं वो इस दौरान उन्हें बता रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम अनमोल कुमार, वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हूँ। मैं अपने वार्ड में काफ़ी दिनों से, जब से अपना इलेक्शन का अनाउंस हुए हैं तब से मैं अपने वार्ड में घूम रहा हूं, और उससे पहले भी मैं बाढ़ के बीच में रहा, बाढ़ के लोगों के साथ ही था, और बाढ़ के लोगों के साथ मैंने मिलके बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जो हमने मिलके भी उठाई थी पहले भी और अब आगे भी उठा रहे हैं। जो मेन समस्या अब हमारे वार्ड में आ रही है वो है हमारे यहाँ एक सीवरेज का एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे वार्ड नंबर 7 में सीवरेज की बहुत ही बड़ी दिक्कत है, जिसमें कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी इसमें एक पुरानी यहाँ सीवरेज लाइन बिछी हुई है, जिसका मतलब हाउसिंग बोर्ड के टाइम से कम कोई 40 से 50 साल के पहले की यहाँ लाइन बिछी हुई है। वो बार बार उसमें है ना ब्लॉक अपना ब्लॉक हो जाती है, तो लोगों की बार बार यही समस्या रहती है कि जब सीवरेज ब्लॉक हो जाती है तो उसका जो अपना गंदगी है वो सड़कों पे आके गिरती है। तो हमने लोगों से ये अपना लोग ये कह रहे हैं कि अब इसका नए सिरे से इसको काम करवाया जाए, काफ़ी अपना पुरानी सीवरेज है। और हमारे वार्ड नंबर 7 में एक अपने पहले भी आपको अपना बताया था कि एक हमारे DC ऑफिस के सामने एक मोहल्ला है जिसमें 15 वर्षों से अभी तक भी सीवरेज नहीं है। और यहाँ जैसे कि हम नदौन चौक से चलते हैं निचली तरफ को बाईपास तक आते हैं, तो वहाँ पे पैदल जब लोग चलते हैं तो सड़क पे ही चलना पड़ता है, जिससे कई बार दुर्घटना होने का अपना दुर्घटना हो जाती है। तो मेरा एक लोगों का ये भी बीच में सुझाव आ रहा है कि इसमें हम सड़क के किनारे एक फुटपाथ बनाएंगे पैदल चलने के लिए, अपना नदौन चौक से लेके बाईपास चौक तक जो जो वार्ड नंबर 7 का एरिया है, अगर उसके लिए हम कमेटी में भी अपना बात रखेंगे। अगर कमेटी में फ़ंड की कहीं कमी रहती है तो मैं उसको मुख्यमंत्री के पास भी ले जाकर कुछ स्पेशल बजट उसका करवाना पड़ेगा, तो वो भी हम करवाएँगे। और हमारे वार्ड में हमारे अपना पहले के पार्षद रहे, कोई 10 वर्षों से रहे हैं, कोई 5 वर्षों से रहे हैं, कोई 3 वर्षों तक पार्षद रहे हैं, सबको मौका दिया है अपनी भारी बाढ़ की जनता ने। तो मेरा बाढ़ की जनता से भी ये अनुरोध रहेगा कि इस बार मुझे एक मौका दिया जाए, और लोगों का मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से बाढ़ में जा रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बाढ़ के लोग ये कह उठे हैं कि अब की बार अनमोल कुमार। तो समस्याएं तो जैसे बहुत सारी हैं इस वार्ड में। मेरा एक अपना यहाँ वार्ड नंबर 7 में एक पार्क है, पार्क को मैंने पक्का करवाना है उसको, उसमें अभी तक जो 20 वर्ष पहले झूले लगे थे वही झूले लगे हैं, मतलब उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है अभी तक। मेरा उसका यह भी मोटिव रहेगा कि उसमें लाइटें लगाना, अपना झूले लगाना। एक हमारे यहाँ वार्ड नंबर 7 में नीचे हाउसिंग बोर्ड में एक सामुदायिक भवन का निर्माण होना है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, और उसका काम भी हम बहुत जल्दी कर, मतलब अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से होएगा तो वहाँ से, अगर किसी निधि से हम MP फंड से लेना पड़ेगा तो वहाँ से लेंगे, अगर मुख्यमंत्री से अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमें इसके लिए कुछ पैसा मुहैया अपना करवाया जाए। और हमारे यहाँ एक ऊपर जो हाउसिंग बोर्ड ने नए फ्लैट्स बनाए हैं वहाँ पे सड़क की इतनी दयनीय हालत है, वहाँ पे गाड़ी लेके तो क्या चलना, आदमी पैदल नहीं चल सकता वहाँ पे। तो मेरा उसमें भी ये रहेगा कि लोग, जैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ उस सड़क का थोड़ा काम बचा हुआ है वो काम करवाना है, बचा क्या वो, मतलब अभी तक 30 साल पहले सड़क बनी थी वो, अब सड़क उखड़ के मतलब उसकी टायरिंग जो है बिल्कुल मतलब खड्डे पड़ गए हैं वहाँ पे। तो हमारा ये सारा दायित्व है, सभी लोग मिलकर हम इसका प्रयास करेंगे, हमारे बाढ़ के जितने भी लोग हैं, जितना जैसे जैसे मुझे और भी सहयोग मिलेगा, जैसे जैसे और भी कोई मुझे अपने आप बताएंगे भी यहाँ पे बाढ़ में ये समस्या है, तो हम उन सारी समस्याओं को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं बाढ़ की जनता से की ओर से भी ये बाढ़ की जनता को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि अगर मुझे एक बार मौका मिलता है, अगर मुझे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पार्षद पद के और अपना वार्ड की जनता बना के भेजती है, तो जो भी उनके कार्य होंगे मैं निश्चित तौर पे उनके ऊपर खरा उतरूंगा और उन सारे कामों को करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।
धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 7 से अनमोल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो भी लोगों द्वारा समस्याएं जो हैं उठाई जाएंगी, उन्हें वे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 7 से अनमोल कुमार जी।